चैनल सीहू कंप्यूटर एंड टेक पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं निशांत और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं गूगल क्रोम के बारे में। मतलब कि गूगल क्रोम में बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन चीज़ें होती हैं जिनके बारे में शायद आपको पता है या नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या पीसी में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। अब गूगल क्रोम जब ओपन कर लेते हो आप, तो ऐसे आपको अपने गूगल क्रोम में साइन इन करना है। यहाँ पे जैसे मैंने साइन इन किया हुआ है, उस तरह से अपने ईमेल आईडी से साइन इन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मेरा ये स्क्रीन आपको दिख रहा है पीछे का, गूगल का जो बैकग्राउंड दिख रहा है ये इस तरह का स्पेस का एक है, तो ये इसके थीम्स हैं। जिस तरह से मोबाइल में हम लोग थीम्स रखते हैं, इसके भी अपने थीम्स हैं। इसके लिए सबसे पहले गूगल क्रोम में आप साइनअप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको, सिंपली ऐप्स पे क्लिक करना है। जब आप ऐप्स पे क्लिक करोगे तो जिस तरह से आपको आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में मोबाइल के लिए बहुत सारे ऐप्स होते हैं, स्टोरेज होते हैं, उस तरह से यहाँ पे भी वेब स्टोर अवेलेबल है। वेब स्टोर इस पर क्लिक कर लेना है। और दोस्तों, जब आप वेब स्टोर पे क्लिक करते हो तो उसके बाद देखिए हमारे सामने क्या खुल के आता है। तो ये क्रोम वेब स्टोर है, यहाँ पे हर चीज मिलेगी। जिससे सपोज कि अगर आपको लाइव टीवी देखना है, उसका एक छोटा सा एक्सटेंशन मिलेगा, 2 से 4-5 MB का होगा, उसको आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप लाइव टीवी कोई भी चैनल अपने लैपटॉप पीसी पे देख सकते हो। जैसे सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, इसे यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे सर्च है, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे सर्च कर लेना है। सिंपली से लाइव टीवी, लाइव टीवी हो गया। अब आपको सर्च प्रेस कर देना है। अब जैसे ही आप सर्च प्रेस करोगे, यहाँ पे सर्च होने लगेगा और जो लाइव टीवी के जो भी सारी चीज़ें होंगी, मतलब एक तरह से कहिए कि ये कंप्यूटर का ऐप ही है। ये देखिए, ये माई लाइव टीवी ने ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसको एक्सटेंशन मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रखा है। देखिए यहाँ पे mylivetv.net। अब मैं इसको खोल करके आपको दिखाता हूँ। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ से जब मैंने mylivetv.net को ओपन किया तो देखिए ये आ गए। अब यहाँ पे सारी चीज़ें लिखे हुए, हिंदी म्यूजिक, इंग्लिश न्यूज, एंटरटेनमेंट, हिंदी एंटरटेनमेंट। इनमें से जो चैनल आपको देखना है, अगर इंग्लिश म्यूज करते हो तो इंग्लिश म्यूज से जितनी सारी जो भी चैनल्स हैं उस सब सामने आपके पास है। यहाँ पे स्पोर्ट्स के चैनल है, जैसे स्पोर्ट्स पे मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही स्पोर्ट्स पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स के जो भी चैनल्स हैं हमारे सामने आ जाएंगे। स्टार स्पोर्ट्स 2, Sony 6, HD 10 HD, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। अब जिसको आप चाहो यहाँ पे प्ले करो और लाइव आप देख सकते हो सिंपली, ठीक है। तो ये करना कैसे है, ये चीज़ें कैसे होंगी, इसी ये माई लाइव टीवी है, इसको आपको अपना एक्सटेंशन बनाना है। इस पर क्लिक करना है यहाँ पे। अब जब आप क्लिक करोगे तो ये ओपन होकर आ जाएगा। इसकी सारी डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल्स यहाँ पे सामने आ रखी, आपको दिखेगी रिव्यू, इसको कितने स्टार्स मिले, सारी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। अब जब आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ही यहाँ ये डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के बाद इसका एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा है, इस तरह से आपके पास भी यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ डायरेक्ट खोलना है और देखना, आप लाइव टीवी देख सकते हो, ठीक है। तो ये लाइव टीवी था, ठीक है। और इसमें थीम्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जीमेल, अगर आपको शॉर्ट जीमेल चाहते हो कि जीमेल का मैसेज नोटिफिकेशन बार बार आपको साइनअप ना करना पड़े, एक बार साइनअप करके छोड़ दें, डेस्कटॉप पे भी मैसेज आ जाते, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। मैं ये भी आपको दिखाता हूँ कैसे है। ये जीमेल का है। अब आप यहाँ से अगर आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगे। देखिए ये
सारी चीजें। मैं आपको धीरे धीरे नीचे ले चलता हूँ, इसमें क्या क्या चीजें हैं सब आपको, मतलब अगर आप व्हाट्सएप भी चाहो तो यहाँ से इसमें अवेलेबल है। ये सारे देखिए बबल शूटर्स, ये तो सारी सिर्फ थीम्स की तरह है, जैसे ये वीडियो डाउनलोडर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए अब वन टैब है, अब इसमें मान लीजिए कि इस जो टेक कंट्रोल ऑफ योर टैब्स, तो टैब से रिलेटेड सारे एक्सटेंशन दिए हुए हैं, तो उन सभी को देखने के लिए यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है। अब व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो ये इससे रिलेटेड जितनी भी इसमें एक्सटेंशन फाइल्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, और जिसे मन करे उसे आप यहाँ पे कर सकते हो। इसमें एंटीवायरस भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर यहाँ से जैसे किया है, जैसे पे सर्च कीजिए व्हाट्सएप, एंटर किया, ये व्हाट्सएप वेब, देखिए ये जो व्हाट्सएप वेब है इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, देखती है दिखाता हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप क्रोम एक्सटेंशन। अब ये जो अब ओपन होता है, इसको ओपन करने के बाद क्यूआर कोड स्कैन करना होता है, तो आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप वेब पे जाना है और वहाँ से इसको स्कैन कर देना है, बस ऑटोमेटिकली सारी आपके व्हाट्सएप के जो भी मैसेज कॉन्टेक्ट सब ऑटोमेटिकली आपके पीसी पर आ जाएंगे, सारे मैसेज इस पर आ जाएंगे अपने आप। और इसमें एक फ़ायदा और है कि ये जो एक्सटेंशन है इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मतलब सोशल मीडिया के हर ऐप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये जैसे धीरे धीरे थोड़ा टाइम लग रहा है ओपन होने में, मैं इसको नहीं करता हूँ यहाँ से, बस यहाँ पे QR कोड मांगेगा, उसको आपको स्कैन कर देना है और आपका व्हाट्सएप यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो गूगल क्रोम का वेब स्टोर है, इसके बारे में आप अगर नहीं जानते होगा तो जान लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हर जो भी आप चाहो उससे रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड ऑनलाइन चीज़ें हैं, PDF फाइल्स के हैं, वीडियो एडिटर हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, PC स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसमें अवेलेबल है, मतलब वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने गूगल क्रोम का प्रॉपरली यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर हमारे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।